गेट आउट और अलग सा फील हो रहा है यार यहाँ पे आने के बाद, पता है थोड़ा सा सही में थोड़ा अलग सा फील हो रहा है बैठे हुए। अरे भाई मेरे को भी मिलना है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अपने राजा भी आप ट्राई कर रहे भाई, चलो बेडरूम का मैं ये वाला एक बेडरूम, ये बेडरूम है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग गाइस। देख रहे हो यहाँ पे अपाची, वहाँ पे RC 200 हॉर्नेट MT स्प्लेंडर, भाई सब बाइक आ चुकी है। सो आज फुल मजा आने वाला राइड पे। आज जा रहे हैं अपन लाल बंगला, जो कि बहुत डेंजर प्लेस है, रायपुर का सबसे डरावना प्लेस घर बोलते हैं भाई साहब। देखते हैं क्या सीन है वहाँ का। सो भाई निकलते हैं यहाँ पे, चलो चलो भाई लोग जल्दी आओ भैया, जल्दी आपका इवेंट हो रहा है, आपके लिए रुके थे एक घंटे से। भाई तो बोले थे यही ब्रिज के पास रूम है, राजू भैया दिख नहीं रहे हो। ये रहे राजू भाई, राजू भाई, राजू भाई, ये रहे राजू भैया के पूरी क्रू नंबर खड़ी है यहाँ पे। राजू भाई आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है भैया। हाँ भैया एकदम अच्छे भैया, और भैया और भैया जय श्री राम भाई, जय भैया जय। और भैया आ रहे भैया, इधर 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 इधर, सो भाई इधर इधर। ये हमारे राजा भैया, राजा भैया, राजू भैया, तो यही है। और क्या और वो मेरी भैया कहाँ गए, विक्की भैया? अरे यार वो मेरे के नहीं, अच्छा मतलब हम लोग यहाँ से हट जाएं, अच्छा ठीक है ना अपन हट जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो क्या करना राजू भाई बताओ, कहाँ चलो? देखे तो गए वो, हाँ नहीं नहीं लाल बंगला, ये जो खंडर है जो रायपुर का सबसे फॉरेस्ट वो मतलब डरावना प्लेस है। चलो गए, चले चलो चलो भैया लोग भी चल रहे, चले चलो भैया आ जाओ गाड़ी निकाल लो, चल रहे भैया भी चल रहे, चलो। अरे रुको आराम से भाई, अपन आराम से चलते ना। हाँ ये तो भैया गए हुए वहां का ब्लॉग बनाया भाई, टॉप ब्लॉग गया या गया इनका लाल बंगला, ठीक है भैया लोग भी चल रहे ना। ये सागर भैया है हमारे, यहाँ पे मारे हैं राजा भैया, सॉरी राजू भैया, सर राजा भैया, राजू भैया में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो हमारे साथ राजू भैया यहाँ पे, गाइस अपन जा रहे हैं लाल बंगला ना भैया, लाल बंगला तो वहाँ पे भी शूट करेंगे और टाइम बचा तो अपन चले जाएंगे IT क्लब, भैया भी बोल रहे थे। तो गाइस अभी क्या कि मेरे राइडर भैया लोग पीछे ही रुक गए, थोड़ा लोग गिरे आ रहे थे, अपन जल्दी में आगे आ गए। तो भैया बोले वेट करो अपन आ रहे, तो अभी यहाँ पे रुके हुए हैं, माहौल चेक करो गाइस, मज़ेदार है, इतने भाई लोग हैं हमारे साथ। ये आ गया भैया, चलो चलो चलते हैं, चलो कि भाई कहाँ है? अच्छा यही है, अरे यार यही बैठे हो क्या, बाइक कहाँ छोड़े, चैन निकल गया, ओ भाई इसीलिए टाइम लगा क्या? तो फोन तो करना था, मैं आपको फोन किया, फोन भी नहीं उठा रहे हो। अच्छा तो भाई पूरे राइडर भाई लोग आ गए, और विक्की भैया के बाइक का चैन का पॉकेट था वो थोड़ा ख़राब हो गया था, तो वो थोड़ा उधर ही गया, तो भाई बाइक अपना पीछे खड़ी कर दिए। तो भैया R1M में और R15 में बैठ के जा रहे हैं, चलो भाई देखते हैं और कितना दूर है। और भाई लोकेशन यहाँ किसी को नहीं पता, सागर का तो पता है स्प्लेंडर वाले भैया को,
यार अचानक इंडिकेटर देते हो भाई। ये है यहाँ का रोड लाल बंगला जाने का। इसके भाई लोग क्या सीन है उधर का, कोई मेरे को भाई देखो डर लगता है, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत डरता हूँ मैं इन सब चीज़ों से। पर भैया लोग हैं, इतने लोग साथ में है तो थोड़ा जिगरा है, चल देंगे अंदर। ओ भाई ये भाई तो यही है ऐसे, भाई पंचर हो गया क्या गाड़ी भाई साहब? अंदर डाले क्या गाड़ी? नहीं डालते। क्या कर रहे हो? इसी को तो बोलते हैं भैया, मैं भी फर्स्ट टाइम ही आ रहा हूँ भाई साहब। यही बोलते हैं रायपुर का सबसे ज़्यादा हॉरर प्लेस जो है यही है, और भूत लोग भी खड़े। सो भाई अपने भाई लोग, सो राजू भैया हक से, तो ये है हमारे राजू भैया। अंदर चले क्या सागर भैया? चलो देखते हैं, बट चलो देखते हैं भाई। कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है यार, कुछ ना खास तो नहीं है, और यहाँ पे तो पहले से ही कुछ दिख रहे हैं मेरे को, भूत भूत लोग। चलो चलो, हाँ गाली नहीं, भूत बुरा मान जाएगा यार। मजाक नहीं भाई, मजाक नहीं है सब चीज़ों से, सीरियसली डर तो लगता ही है। अरे बाप रे, दलदल को पार करके जा रहे हैं भाई। चलो देखते हैं भाई, हेलमेट यहाँ रख देता हूँ। तो भाई यही है कुछ, गाइस बाल को इग्नोर करना क्योंकि हेलमेट लगा के रखते तो ऐसा हो जाता है। गेट आउट और प्लेस योर मूव, मतलब नहीं पता गाइस क्या क्या लिखा हुआ है भाई। इसी को बोलते हैं यहाँ का जो है भाई, थोड़ा अलग सा फील हो रहा है यार यहाँ पे आने के बाद, थोड़ा सा सही में थोड़ा अलग सा फील हो रहा है। आप लोगों को हो रहा है कुछ फील? हो रहा है भाई लोग को भी हो रहा है। और यहाँ पर रात में आने का बाद भाई कुछ उतना भी हॉरर नहीं लग रहा है, पर क्योंकि यहाँ पे पहले से ही भूत लोग बैठे हुए हैं। अरे भाई मेरे को भी मिलना है भाई साहब। अरे ये सब क्या है भाई साहब? कुछ ऐसा दिखता है और नहीं 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 वो प्राइवेट चीज है भाई साहब, कुछ यही है भाई। उतना नहीं लग रहा यार, मतलब कितना हॉरर प्लेस रायपुर का यही बोलते हैं, मुझे नहीं लग रहा है उतना। चलो चलो छत पे चलो, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अपने राजा भी अब ट्राई कर रहे भाई। चलो चलो किचन किचन, चलो किचन पे दिखाते हैं। ये बेडरूम है, अच्छा वो वॉशरूम है, ये भी बेडरूम है, और ये भाई ये किचन है भाई साहब। अमेजिंग करके देख सकते हैं, हाँ कितना साल पुराना है भाई, यहाँ पे खाना भी बना था टाइम में। हाँ खाना वाला सब होता था भाई, बट ये चीज तो है कि ये रायपुर का सबसे हॉरर प्लेस है। आप सर्च भी करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो भाई साहब मत दिखो, उधर मत देखो गाइस, उधर मत देखो। अरे यार मत बोलो भाई साहब, पर है भाई ये हॉरर प्लेस है। बताओ यार इतने आउट एरिया में इतना शानदार मकान आज से 20-25 साल पहले का बना होगा और इतना प्यारा है, बट अभी ये खंडहर हो चुका है। सो अभी अपने राजू भैया ऊपर छत पे चले गए। आओ ना भैया, भैया लोग जल्दी आओ भैया, मैं आऊं तो थोड़ा स्मॉल बिली मार के खाऊं। और ये छत का सीन है इधर से पूरा भाई, आज से मतलब ये सब भी घर नहीं बनेंगे यार अगर ये जब ये बना होगा मेरे ख्याल से। और ये हमारे राजू भैया की पूरी ग्रुप हार्ट वाली एकदम, यहाँ पे रील भी शूट करेंगे ना भैया अभी? हाँ बिल्कुल, लोकेशन बताइएगा। और भाई साहब कुछ यही है माहौल हमारे भुतिया लाल बंगला भाई, थोड़ा तो है मतलब है थोड़ा बहुत, पर हाँ नाइट में बैठा था कैमरा जी का सही बात है, बट इनमें कुछ खास नहीं। मुझे लगा बहुत बड़ा होगा ये, पर भैया इमेजिन करो
आज से 50 साल पहले का पब्लिक भूत है भाई, भूत तो यही है हमारे सब, फुल हार्ट है भाई लाल बंगला। मगर भाई सर्च में बता रहा, अगर सर्च करोगे ना यूट्यूब पे जाके कि रायपुर का सबसे हॉरर प्लेस, आपको लाल बंगला ही मिलेगा। बट गाइस अभी का माहौल कुछ ऐसा है कि यहाँ पे लोग आते रहते हैं, जैसे कि हम लोग आए हुए हैं और हमारी पूरी गैंग आई हुई है, देख रहे हो। सो गाइस वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करते रहो, शेयर भी करते रहो और सपोर्ट भी दिखाओ। और हमारे राजू भैया जी का भी अपन रील शूट करेंगे, वो भी दिखाएंगे। क्यों राजू भैया पूरा हक से कोई देखो भाई, हमारी सारी बाइकें वहाँ पे खड़ी है और यहाँ पे सब अपने राजा भैया लोगों की गैंग, राजू भैया लोगों की गैंग सब, और यहाँ टॉप पे खड़े हम लोग और भूत देखने के लिए आए थे। गाइस कोई भूत नहीं दिख रहा यहाँ पे, कोई लाल बंगला में भूत नहीं है। आईपी क्लब, हाँ मैं भी जाऊँगा, मैं भी जाऊँगा, हाँ भैया लोग भी जाएंगे ना अपने। यहाँ से उतरेंगे अब गाइस, चढ़ तो गया थोड़ा डर से और नीचे कैसे उतरू वो नहीं समझ आ रहा है, देख लो खुद भाई लोकेशन चेक करो यार। सो गाइस अपन अब यहाँ से निकल रहे हैं आईपी क्लब के लिए। सो भाई आज के ब्लॉग में आपको ये हमारा भूत बंगला ही मुबारक है भाई, भूत तो नहीं दिखा पर भाई थोड़ा डरावना है ये जरूर, इतने आउट एरिया में बना है गाइस तो थोड़ा डरावना तो है। सो गाइस ऐसे ही ब्लॉग्स वीडियोस आते रहेंगे, तो मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।